नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पविता फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लिखा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टुडेस टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस ऑब्लिक कंपनसेशन ऑब्लिक सैलरीज। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी वेजेस सैलरी या फिर कंपनसेशन को अफेक्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तक मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लिखे आता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप इसी चैप्टर यानी कि जो फिलहाल हमारा चैप्टर चल रहा है दिस इज कंपनसेशन फंक्शन, ठीक है, यानी कि क्या क्या सैलरीज यानी कि सैलरीज या वेजेस किस हिसाब से एक फर्म या फिर कोई भी एंटरप्राइज या फिर कोई भी कंपनी, ठीक है, वो वर्कर्स या एम्प्लॉयज को देती है। तो ये फिलहाल ऐसा ही कुछ हमारा चैप्टर है और ये जो सब्जेक्ट है फिलहाल आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, डिप्लोमा में भी ये सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको हर एक ब्रांच इंजीनियरिंग की डिप्लोमा हो, फार्मा हो या फिर ग्रेजुएशन बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलेगा। तो उसी के कुछ टॉपिक्स लेकर मैं आज हाजिर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा ना टाइम लेते हुए। आप देख ही रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं कोई भी एम्प्लॉय या फिर वर्कर्स की जो भी सैलरी को लेकर या कंपनसेशन को लेकर वेजेस को लेकर, तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सम ऑफ देम आर इंटरनल फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स मैं एक बार पढ़ देता हूं और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे हर एक फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड इज एबिलिटी टू प्ले, यानी कि क्या बोलते हैं, कोई भी फर्म है वो कितनी क्षमता रखता है पे करने के लिए, ठीक है, ज्यादा या फिर कम भी मिल सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे कंट्रोल होता है आपका क्या बोलते हैं वेजेस सैलरी या कंपनसेशन। कंपनसेशन से निकली हुई वर्ड है आपका वेजेस या सैलरी। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं, आगे हम मतलब डिस्क्रिप्शन हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट इज बिजनेस स्ट्रैटेजी, काम करने की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस की जॉब इवैल्यूएशन, जॉब किस तरह का है, रिस्की है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है टाइम टू टाइम, यानी कि मोटिवेशन मिलता है, तारीफ होती है। देन एम्प्लॉय किस तरह का है, अगर हम एक्सटर्नल मार्केट की बात करेंगे तो लेबर मार्केट कैसा है, मतलब देखिए अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं। सपोज अगर अभी वर्कर की बात ले ली जाए, अगर हर एक कंपनी में वर्कर्स होते ही है, तो किसी कंपनी में अगर किसी वर्कर को ज्यादा रेट मिल रहा है तो डेफिनेटली जो कहीं पर कम मिल रहा होगा रेट यानी कि वेजेस कम मिल रहेगी, तो वो वर्कर तो छोड़ के जाएगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं रहेगा। ऑलरेडी वो सेटिस्फाई कहाँ था, कंपनी में काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो काफी देर से डिमांड कर रहा था कि हमारी जो वेजेस हैं बढ़ाई जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली वो कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाएगा जहाँ पे वो सेटिस्फाई होगा और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऑब्टेन कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज गोइंग रेट है। देन गोइंग रेट मतलब ये रिलेटेड है आपके उस लेबर से रिलेटेड है कि क्या रेट है जाने का, ठीक है, वर्कर का कोई भी कंपनी को छोड़ के। देन प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी काफी अहम रोल निभाता है, आगे बात करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जैसे कि मैंने इसके बारे में कुछ बताया था आपको। नेक्स्ट इज लेबर यूनियन, आपको मालूम है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी जो होती है या फिर एमएनसी कंपनी होती है तो लेबर यूनियन होती है। काफी कंपनीज में तो मैंने अलग अलग मतलब काफी सारी यूनियंस देखी है, ठीक है। देन लेबर लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम हर एक पॉइंट के बारे में। देखिए मैंने वापस लिखा हुआ है कुछ नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 कुछ, यानी कि फिलहाल पिछली स्लाइड में भी हमारे नियर अबाउट 7-8 पॉइंट थे, तो इस स्लाइड में भी हमारे लगभग इतने ही पॉइंट है। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेजेस और कंपनसेशन को, पहला पॉइंट है जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। देखिए आपको मालूम है कि वेजेस कोई भी पर्सन या लेबर काम करता है या कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो बदले में कंपनी क्या करती है, उसके काम के बदले उसको सैलरी वेजेस यानी कि कंपनसेशन कंपनसेट तो करती है, ठीक है। तो अभी क्यों करती है ऐसा, क्योंकि भाई कंपनी को तो काम करवाना है, कंपनी को काम करवाना है, तो दैट मीन्स देयर इज अ डिमांड, ठीक है, डिमांड चाहिए चाहिए लेबर्स की या एम्प्लॉयज की। तो अगर डिमांड बढ़ेगी या फिर कोई भी फैक्टर जो डिमांड बढ़ाता है लेबर की, तो डेफिनेटली वो कंपनी सैलरी ज्यादा ही देगी या फिर वेजेस ज्यादा ही देगी। इसका वाइस वर्सा भी वो है कि अगर किसी कंपनी में यानी कि डिमांड लेबर या एम्प्लॉय की कम है तो डेफिनेटली उनको वेजेस भी कम ही मिलेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपकी तनख्वाह को मिलने से रिलेटेड, यानी कि वेजेस या सैलरी से रिलेटेड। ओके, एबिलिटी टू पे, देखिए बहुत सारी कंपनीज होती है जो फिलहाल अभी ग्रो कर रही है, आपको मालूम है कोरोना का काल चल रहा है फिलहाल, तो काफी सारी मतलब कंपनीज है वो बंद हो गई है, कईयों को सैलरी नहीं मिली है, दो दो तीन तीन सब घर बैठे हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो कैसा चलेगा अभी। तो काफी कंपनीज हैं जो फिलहाल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सैलरी दे रही है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, ऑलरेडी उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो एफिशिएंटली ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं यानी कि जो पर्सन को यूज कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि वो कम यानी कि पर्सन को यूज करते हुए काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और जिनकी वैल्यूएशन भी बहुत हाई है। तो वो कंपनीज जिनका यानी कि बैलेंस शीट अगर आप
उठा के देखेंगे तो प्रॉफिट में है, ठीक है। अगर प्रॉफिट में होंगी तो डेफिनेटली वेजेस ज्यादा ही होंगी, एम्प्लॉयज की जो सैलरी होंगी वो ज्यादा ही होंगी, तो कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय किस तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा जहां पर उसे सैलरी ज्यादा मिले, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो क्या बोलते हैं वेजेस को अफेक्ट करता है या सैलरीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी लॉस में होगी तो डेफिनेटली वो इतना नहीं पे कर पाएगी जितना कोई भी दूसरी कंपनी करेगी जो प्रॉफिट में होगी, तो डेफिनेटली वर्कर्स वहां से छोड़ के जाने वाले हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। कोई भी वर्कर है, एम्प्लॉई है, उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। अगर उसको जो भी सैलरी या वेजेस मिल रही है, अगर उसको लगता है कि क्या बोलते हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर पाएगा उस सैलरी या फिर वेजेस में, अगर मैं वर्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रहता है, ठीक है, कौन से रीजन में रहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर बोल सकते हैं लिविंग के लिए जितनी कॉस्ट चाहिए ये वो है, तो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है हमारे वेजेस या कंपनसेशन को। अगर वो लगता है, अगर उसे लगता है कि भाई जो भी सैलरी या जो भी क्या बोलते हैं वेजेस मिल रही है अगर वो सफिशियंट है, मिनिमम है, तो वो डेफिनेटली वहां काम करेगा और कंटिन्यू करेगा जॉब, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, अब ये पॉइंट भी बहुत काफी मायने रखता है। देखिए वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है अगर वेजेस के रेट हायर हो। सपोज काफी लोग तो यानी कि ओवर ड्यूटी भी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, क्यों, एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए, ठीक है। अगर वो बैचलर है, अगर शादी हो गई तो डेफिनेटली 8 घंटे की ड्यूटी करके फिर वो फटाफट घर चले जाते हैं, तो ऐसे रहता ही है। तो अभी देखिए कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी फर्म है, तो वो तो हमेशा प्रोडक्टिविटी हायर करने की कोशिश करेगी। प्रोडक्टिविटी कैसे हायर हो सकती है, अगर सैलरीज बढ़ा दी जाए, ठीक है, आवरली। सपोज 8 घंटे की ड्यूटी तो आपको करनी है, पर आर आपको 800 रुपीज या 1000 रुपीज अगर आप मिल रहा है तो कौन नहीं काम करना चाहेगा, ठीक है। ज्यादातर जो कंपनीज में काम करने के आर्स होते हैं, वर्किंग आर्स, वो 8 घंटे होते हैं। वैसे लेबर की बात करें तो वैसे 12 घंटे तो देखा ही है, नॉर्मली 12 घंटे तो काम करना ही पड़ता है लेबर्स को, ठीक है, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो अगर सैलरीज या फिर लेबर्स बढ़ा दिए जाते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब वेजेस आवरली, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी तो देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है, काफी कंपनियों में आपने देखा होगा लेबर यूनियंस भी होती है। प्राइवेट लिमिटेड में मैंने काफी कम देखा है, लिमिटेड ग्रुप्स में देखा हुआ है। एक एग्जांपल लूंगा, कोई भी एमएनसी कंपनी का नाम ले लो, वाडीवरे स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, रिलायंस, तो यूनियन तो देखने को आपको मिलेगी। अगर यूनियन, देखिए यूनियन भी दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है। अगर ऑर्गेनाइज्ड लेबर है, लेबर यूनियन है, तो उनके कोई लीडर होंगे, वो अपनी मांग रखेंगे और इसके इस लेबर यूनियन के प्रेशर में आके काफी कंपनीज में जो वेजेस के रेट होते हैं काफी ज्यादा होते हैं। तो लेबर यूनियन का होना किसी भी कंपनी में ये भी अफेक्ट करता है वेजेस और सैलरीज को लेके, ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। हाँ, अगर बार्गेनिंग प्रॉपर नहीं हुई हायर अथॉरिटीज के साथ तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम सबको होने वाली है, वो स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, सैलरी किसी को मिलेगी नहीं, तो लॉस ही लॉस है फिर तो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे काम करती है यानी कि वेजेस को अफेक्ट करने के लिए। अभी देखिए गवर्नमेंट है, कोई भी देश जो है, देखिए कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट कमाना चाहती है तो वो तो सर्विस चाहिए चाहिए, तो डेफिनेटली डिमांड तो बढ़ेगी यानी कि काम की, तो फिर यानी कि वर्कर्स को अडॉप्ट करने पड़ेंगे, वर्कर्स लेने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है ताकि कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है, उसे एकदम निचोड़ नहीं लिया जाए, मतलब जितना निचोड़ा जा रहा है उसके बदले उसको सैलरी मिल रही है, तो कुछ लॉज यहाँ पर लेके आ गई है गवर्नमेंट, ठीक है, काफी सारे, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 है, मिनिमम वेजेस एक्ट है कि मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी क्या होनी चाहिए, फिलहाल अगर वर्कर के हिसाब से बात करें तो मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, ये सारे गाइडलाइंस प्रॉपर प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश की गई है। कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट करती है तो उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, क्या उनका कॉस्ट ऑफ, मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे आपको मालूम है ना कि किसान होते हैं, अभी कोई भी मतलब जो किसान है वो फसल उगाता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ठहराती है कि 1800 रुपए से नीचे ये बेच नहीं सकते और जो लेने वाला होगा उनको मिनिमम 1800 तो देने पड़ेंगे। हाँ, उसे हायर मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो वैसे ही गवर्नमेंट का भी एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक, यानी कि कोई भी फैक्ट्री अगर विद इन इंडिया खुलती है तो मिनिमम सपोर्ट ऑफ लिविंग, सपोर्ट ऑफ लिविंग नहीं, मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग उनको मिलना ही चाहिए, मतलब इतनी वेजेस तो मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी भी दूसरी फैसिलिटीज होती हैं जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट्स। अगर कोई भी कंपनी, सपोज एक्स कंपनी है, ठीक है, वहां पे काम करने वाला वर्कर जो है, ठीक है, उसको अगर वहां पर जो सैलरीज मिल रही है, ठीक है, सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि सपोज अगर मैंने फैक्ट्री खोल ली है तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले कि मैं सैलरी दूं सबसे पहले ये देखूंगा कि कोई दूसरी कंपनी है जो मेरे बाजू में है, ठीक है, मेरी कंपनी के बाजू में, वहां पे क्या रेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि वर्कर का काम क्या है, जिस हिसाब से उसे सिखा दिया जाए वो उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि वहां पे क्या रेट है, तो इस तरह से मिनिमम फिक्स्ड
रेट वेजेस के तो फिक्स होने ही होने, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेलिंग वेज रेट्स। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि नहीं तो क्या होगा कि अगर मैं ज्यादा ही रेट कम कर दूंगा वेजेस के या सैलरीज के, तो कोई भी वर्कर या स्किल्ड वर्कर मेरे पास आएगा ही नहीं, वो जस्ट छोड़ के निकल जाएगा जहां पे उसे अच्छी सैलरी मिल रही। तो आई होप आपको सारी पॉइंट्स यानी कि इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ऐसे ही मतलब एसेंशियल और गुड वीडियोस चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज डू राइट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके। यानी कि थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है फिलहाल हमारा जो चैनल है वो ट्रूली डेडिकेटेड है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, यानी कि फिलहाल जो हम वीडियोस लेके आ रहे हैं, साथ में हमने फ्लूइड मशीनरी कवर की है, देन फ्लूइड मैकेनिक्स कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।